इसको बोलो कि वो ज्वाइन बैक करते रहें ताकि जो है वो हम इसको आगे कंटिन्यू करें. ओके, हमने करेक्टिव एक्शंस की बात कर ली. हम करेक्टिव एक्शन को एक दफा फिर देख लेते हैं कि करेक्टिव एक्शन के अंदर हमें चार सवालों के जवाब देने होते हैं. पहला सवाल तो ये होता है कि क्या जिसको हम डेविएशन कह रहे हैं या क्या हम जिसको अबनॉर्मैलिटी कह रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं हमें यहाँ पे करेक्टिव एक्शन की जरूरत है, क्या वो एक्चुअली डेविएशन है या चांस ऑफ फ्लक्चुएशन है. इस चीज को इस सवाल का जवाब देना सबसे पहला पॉइंट होता है जिसको हमें प्रोसेस करना होता है. दूसरा हम ये देखते हैं, दूसरा हम ये डिफाइन करते हैं कि जी प्रोसेस जो हमने डिफाइन किए थे, जो हमने कागज पे लिखे थे कि जी ये तमाम के तमाम चीजें, ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे, ये तमाम के तमाम जो है एलिमेंट जो है हम कैरी करेंगे, क्या हम सारे के सारे एलिमेंट्स कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तीसरी बात जो हम डिफाइन करते हैं, तीसरा जो हम चेक करते हैं, चेकिंग लगाते हैं, वो ये देखते हैं कि जी जो स्टेप्स हमने कहे थे या जो हमने कागज पे स्टेप लिए थे या लिखे थे, क्या वो एक्चुअली हमारे डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने में या एक्चुअली हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए स्टेप्स एक्चुअली एप्लीकेबल थे भी या नहीं थे. चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि हु इज द पर्सन या हु इज द बेस्ट पर्सन हु कैन टेक एक्शन, जो कि करेक्टिव एक्शन ले सकता है और जिसका करेक्टिव एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल या सबसे ज्यादा फीजिबल या सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा. ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं और आगे आके जो है वो अपने एरियाज में देखते हैं कि हमारे पास ये वो एरियाज हैं जो कि हम नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है. लाइक करंट सिचुएशन का मतलब, एग्जिस्टिंग सिचुएशन का मतलब है हमारी करंट परफॉर्मेंस. हमारी करंट परफॉर्मेंस कहाँ से ड्राइव हो रही होती है? हमारे विजन से, हमारे मिशन से, हमारे ऑब्जेक्टिव से, हमारी स्ट्रेटजीज से, हमारी पॉलिसीज से. ठीक है, दूसरी चीज हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या मुराद है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, हमारी मैनेजमेंट आती है और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं. उसके बाद हमारा एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट है. इंटरनल एनवायरमेंट को हम SW कहते हैं, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिसमें हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट आता है, हमारा कल्चरल एलिमेंट आता है, हमारा फंक्शनल एरिया जो है वो बेसिकली जो है फोकस हो रहा होता है. उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट. एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आ जाती हैं, जिसमें आपके सोसाइटी टास्क या सोसाइटी के टास्क है. फिर उसके बाद एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स होते हैं. स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स के एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज को एवेल्युएट करते हैं, रिव्यू करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के थ्रू. फिर आप अपने स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स देते हैं. स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स का मतलब ये कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने की जरूरत है तो वो आप जो है यहाँ से फॉर कह रहे होते हैं, जिसमें आपका कॉर्पोरेट बिजनेस भी होता है, कॉर्पोरेट में भी होता है, बिजनेस पे भी होता है, फंक्शनल भी होता है, वो यहाँ पर होता है. फिर इसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम की बेसिस पे जो होती है, आपकी कॉस्ट की बेसिस पे होती है, आपकी प्रायोरिटीज की बेसिस पे होती है. उसके बाद आपका एवैल्यूएशन एंड कंट्रोल होता है, जो कि आपके पास होता है फीडबैक. सर मैं पहले भी क्लास में थी, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी. फरीहा बेटा आप मेरे पास शो नहीं हो रहे थे. अच्छा चलो, मैं पहले, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ. फरिया बेटा मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी आपकी, आप मेरे पास शो हो गए थे लास्ट में. योर अटेंडेंस इज डन. ओके, अच्छा फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो इवैल्यूएशन कंट्रोल होता है, जिसमें हम फीडबैक स्टैंडर्ड और मेजर्स की बात कर रहे थे. अब ये जो सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है क्या, या ये सारी की सारी चीजें हमने देखी है, हो क्या नहीं, ये सारी की सारी चीजें थी क्या? एक मिनट रुको, मैं जरा तुम लोग, एक मिनट रुको बेटा, तुम लोगों का वो भी फाइनल होगी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग, मैं एक मिनट वो भी उठा लूँ, जरा रुको. आज आपका लेक्चर 12 है. ओके जी, डन. आपका पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है. ओके, वी रिज्यूम विद दैट. अच्छा, हमने ये सवाल पूछा था कि जी ये बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है. एक्चुअली
ये वही सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये वही सारे के सारी चीजें हैं जो हम ये देख रहे थे. डिटरमाइन व्हाट टू मेजर, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस, डिटरमाइन बेंचमार्क करें, टेक करेक्टिव एक्शन, वही सारी के सारी चीजें ये हैं. मतलब बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको एक तरीके से आप ये कह लो कि हमने इसको जो है वो अपने एंड से जो है वो सेगमेंटाइज कर दिया, यानी कि जो चीजें हमने पढ़ी है हमने अब तक उसको सेगमेंटाइज करके उसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया. लाइक जिस तरीके से स्टेप वन है हमारे पास डिटरमाइन व्हाट टू मेजर, वो मेरे पास मेरी करंट सिचुएशन के अंदर आता है. ठीक है, करंट सिचुएशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है कि जी क्या मेरी करंट सिचुएशन है, क्या मेरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो कि चला रही है. और फिर इसके बाद जब मैं सेकंड स्टेप पर आता हूँ, एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मैं कहाँ से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता हूँ, मैं एस्टैब्लिश करता हूँ फोर्थ पॉइंट से कि जी मेरे पास, सॉरी थर्ड पॉइंट से कि जी मेरे पास जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें कैसे चल रही है. स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने के बाद बात करता हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस मेजर्स की, मतलब मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या देनी है. तो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, मेरा इंटरनल एनवायरमेंट होता है, मतलब मेरी इंटरनल वर्किंग होती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की वर्किंग होती है. फिर इसके बाद अगला स्टेप जो है वो बेंचमार्क यानी कि इवैल्यूएशन का होता है. तो वो मैं क्या करता हूँ, जब मैं एनालिसिस करता हूँ अपने फैक्टर्स की और स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स चेक कर रहा होता हूँ, मतलब जब मैं उसको अल्टरनेटिव के तौर पर चेक कर रहा होता हूँ. फिर इसके बाद मैं इन सब चीजों को इम्प्लीमेंटेशन फेज पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ. इम्प्लीमेंट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, लाइक जो मैंने स्ट्रेटेजी डिफाइन की, जो मैंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एनवायरमेंट से लिया, जो एक्टिविटीज मैं परफॉर्म कर रहा था उनको मैंने किया. फिर उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया. इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं मेजर कर रहा होता हूँ कि हाँ जी ये चीज जो मैंने कही थी, ये चीज जो कि मैंने बेंचमार्क की थी, ये चीज जो मैंने मार्केट से एक्सट्रैक्ट की थी, ये मैंने मार्केट को जो है वो देख के मैंने ये अपना बेंचमार्क सेट किया था कि जी मुझे यहां तक पहुंचना है. मैं जब अपनी इंटरनल एनवायरमेंट को, अपने फैक्टर्स को, अपने स्ट्रक्चर को, रिकमेंड जो मैंने रिकमेंडेशन उसको इनकॉर्पोरेट करके जब मैं अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, तो वेदर जो डिजायर था वो और जो मेरा था वो, क्या वो दोनों मैच थे. इफ यस दे वर मैच्ड, दैट मींस आई हैव डन माय थिंग वेरी गुड, मुझे इवैल्यूएशन कंट्रोल के ऊपर नहीं जाना. इफ नो, तो मुझे आठवें स्टेप के ऊपर जाना है जो कि मेरा इवैल्यूएशन कंट्रोल है. और इवैल्यूएशन कंट्रोल के स्टेप पे मैं प्रॉपरली फिर इवैल्यूएशन करूंगा, मैं चेक करूंगा, और उसके बाद दोबारा मैं वापस अपने थर्ड स्टेप पर आ जाऊंगा जिसमें मैं अपनी इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करूंगा, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को एनालाइज करूंगा, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को एनालाइज करूंगा, और एनालाइज करके मैं उसको एनालाइज करके उसको वर्कआउट करके मैं दोबारा से वापस अपने डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर आ जाऊंगा. ठीक है, इसके बाद जो चीजें मैंने आपको कही ये उसका चार्ट है, ये बेसिकली उसका जो है वो डायग्राम है जिस डायग्राम से जो है वो हम इस चीज को फॉलो करते हैं. मुझे ये बताओ ये डायग्राम आपको विजिबल है, व्यूएबल है, आपको नजर आ रही है सबको, मुझे जल्दी से पहले ये बताओ आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, मतलब कैन यू सी दिस डायग्राम कि ये डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है. नो सर. ओके अच्छा अच्छा एक मिनट रुको. नाउ टेल मी, अब तुम लोगों को ये डायग्राम नजर आ रही है. अब देखो, अब तो मैंने फुल स्क्रीन कर दिया बेटा. अच्छा अब देखो, अब आ रही है सबको नजर, जल्दी से मुझे सारे कंफर्म करो नजर आ रही है तो ओके ठीक है. अब यू हैव गॉट टू मिनट्स. ठीक है, अब आपके पास सिर्फ दो मिनट है, इस पूरी डायग्राम को अच्छे तरीके से देखो और फिर उसके बाद हम इस डायग्राम के स्टेप्स देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है, क्या इस डायग्राम के अंदर मसाइल क्या चल रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर चीजें किस तरीके से फॉलो कर रही है. अब इसके अंदर आप पहले सबसे दो मिनट पहले इस पूरी की पूरी डायग्राम को पढ़ो, बिकॉज इट्स अ डिटेल डायग्राम, तो उसमें काफी सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो रही है. मतलब ऊपर से अगर आप देखो तो दो एरियाज आपके पास आ रहे हैं, एक आपके पास इशू आ रहा है, एक आपके पास कंक्लूजन आ रहा है, और फिर उसके बाद कुछ रेड में हो रहा है, कुछ ग्रीन में हो रहा है.
स्टार्ट ये इशू से होगा, मतलब जो आपका पहला लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्सट्रीम लेफ्ट का इशू है वहां से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये नीचे पे जाके सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एंड रिजल्ट्स के ऊपर खत्म होगा, क्लोज होगा यहाँ पे आके, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी डायग्राम देखो, पहले उसको अच्छे तरीके से एक दफा पढ़ लो, आई एम गिविंग यू अराउंड 5 मिनट्स फॉर दैट, क्योंकि ये डायग्राम डिटेल है, फिर उसके बाद हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या या था क्या। तो पहले सब इसको अच्छे तरीके से जरा एक दफा पढ़ लो।
मौसम सही है। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो, रुबाब आ रही है, ठीक है। बाकी औरों को आवाज आ रही है बेटा? ओके, अच्छा। फिर बेटा एक काम करो, खुर्रम आ रही है? तो फिर बेटा आवाज नहीं आ रही थी, फिर ये कैसे हुआ? अच्छा चलो ठीक है, सही है। ओके, अच्छा
ये डायग्राम आप देख लें, इस डायग्राम के अंदर जो है वो आपको, अब हम दोबारा से इसको जो है वो देखें अगर, तो हम स्टार्ट करते हैं इशू से। हमारे पास इशू क्या था? इशू ये है कि क्या एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो हमारे पास है, ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया, क्या वो सक्सेसफुल था या नहीं था? मीन्स क्या उसने हमें डिजायर्ड रिजल्ट दिए या नहीं दिए? इफ हमें रिजल्ट डिजायर्ड दे दिए तो दैट मीन्स इट्स डन, ठीक है। मतलब आप लास्ट के अंदर आ जाते हो और आप आगे कहते हो कि जी स्टोरी कंप्लीट होगी, सक्सेसफुल हो गया, ये चीज आपके पास यहाँ पे प्रोसेस क्लोज कर देता है। ओके, ये प्रोसेस यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देता है। अब अगर आपकी स्ट्रेटेजी पुअरली एग्जीक्यूट हुई है, जो कि चीज आपके पास यहाँ शो हो रही है, तो इसके बाद आगे आप ये देखते हो कि आपके पास हर जगह पे येस और नो की एक ट्रेल बनती चली जाती है। लाइक अगर स्ट्रेटेजी पुअरली एग्जीक्यूट हुई तो क्या आपने उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया था? मतलब पुअरली एग्जीक्यूट हुई, कम्युनिकेट आपने प्रॉपरली किया था, कम्युनिकेट आपने प्रॉपरली नहीं किया, इसका मतलब ये पुअर कंक्लूजन है, मतलब पुअर कम्युनिकेशन थी आपकी, ठीक है। पुअरली एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसका मतलब है सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई, यानी कि नो में आंसर आया, तो आपकी क्या अजम्पशंस ठीक थी? लाइक जो आपने ऑल्टरनेटिव दिए थे वो ठीक थे, उसके बाद जो वो भी ठीक हो गया, आपके यस आ गया, ऑल्टरनेटिव ठीक थे वो भी आपका यस आ गया, कि आपने ऑल्टरनेटिव भी क्या चेक किए थे, क्या आपने तमाम की तमाम सिचुएशन और ट्रेंड्स को प्रॉपरली डायग्नोज किया था, यस वो भी ठीक है, क्या आपने जो है प्रॉपरली फंक्शनल एरिया स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट बिजनेस यूनिट्स के साथ जो अलाइन किया था, यस वो भी ठीक है, क्या आपकी रिसोर्स एलोकेशन और कंसिस्टेंट सिलेक्शन जो है ये स्ट्रेटेजी जो थी वो सही थी? अगर यहाँ पे आपका आंसर नो आ रहा है तो इसका मतलब, क्योंकि इनमें से किसी इस पूरी ट्रेल में कहीं ना कहीं आपका जवाब नो आएगा, और अगर आपका लास्ट में जवाब नो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने इनकरेक्ट असेसमेंट की रिसोर्स रिक्वायरमेंट की, दैट मीन्स लोगों को आपने सही तरीके से नहीं एलोकेट किया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आ जाओ वापस, वर अंडरलाइन अजम्पशन प्रेमिसेस वर इनवैलिड, इसका आंसर नो है, या ऑल्टरनेटिव का आंसर नो है, या करेंट सिचुएशन इंपॉर्टेंट ट्रेंड डायग्नोसिस का आंसर नो है, अगर इन तीनों का आंसर नो है तो आप लैंड करोगे यहाँ पे, स्ट्रेटेजी जो आपने फॉर्मुलेट की थी उसने आपको अच्छे की, यानी कि सही की जगह पे गलत तो नहीं इम्पैक्ट कर दिया? अगर स्ट्रेटेजी ने आपको गलत इम्पैक्ट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने प्लानिंग ही गलत की थी, आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन थी वही गलत थी, उसकी बेसिस भी गलत थी। अगर उसने आपको गलत नहीं इम्पैक्ट किया तो फिर अगेन आप फंक्शनल एरिया के ऊपर आ गए दोबारा से वापस, जी आपके फंक्शनल एरिया पर आ गए, और फंक्शनल एरिया के अंदर अगर प्रॉब्लम होगा तो आपने इनकंसिस्टेंट फंक्शनल फॉर्मुलेशन की भी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ से ऊपर से आपके स्ट्रेटेजी होते हैं रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली कम्युनिकेट हुई, बिल्कुल सही कम्युनिकेट हुई, क्या लोगों ने उसको उसी तरीके से कम्युनिकेट किया? नहीं। अगर उस तरीके से लोगों ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसका मतलब यह है कि आपकी ऑपरेटिंग मैनेजमेंट जो है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, रिजल्ट्स को मॉनिटर प्रॉपरली नहीं किया गया, इसका मतलब यह है कि फीडबैक मैकेनिज्म ठीक नहीं था। तो इन शॉर्ट ये पूरा के पूरा चार्ट जो आप देखते हो, ये पूरा के पूरा चार्ट जो आप कैलकुलेट करते हो, पूरा के पूरा चार्ट आप जब कैलकुलेट करते हो, पूरा के पूरा चार्ट देखते हो, तो ये चार्ट बेसिकली आपको पूरी की पूरी अजम्पशन बताता है, ये चार्ट आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन बताता है, ये चार्ट आपको पूरे के पूरा पैराडाइम बताता है, और ये बताता है कि जी कहां आपकी गलती हुई और किस तरह की आपकी गलती हुई। कंफ्यूजन में आपको ये भी बताया जाता है किस तरीके से आपकी गलती हुई। तो बेसिकली इस चार्ट को बताने का मकसद ये है कि नाउ यू आर एबल टू वर्क आउट विद फोर एरियाज, मतलब जो चार सवाल आपके थे उन चार सवालों की बेसिस के ऊपर इतना लंबा चार्ट जो है वो आपका बन रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हो और इसके बाद आके आप जो है वो ये चीजें देखते हो सारी के सारी कि आपके पास आप इवैल्यूएट करते हो। ओके, आप इसके बाद आते हैं और आने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमने ये जो देख लिया, यहां पर हमने स्टेप्स सारे के सारे देख लिए, हमने स्टेप्स सारे के सारे जो है देख लिए कि जो हमारे पास करेक्टिव एक्शन के अंदर आते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल के ये देखते हैं कि हमारे पास इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज क्या है, मतलब हाउ वी इवैल्यूएट और हाउ वी इम्प्लीमेंट, इसकी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बन रही होती है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं प्रॉब्लम एरियाज और करेक्शन। सबसे पहला जो हमारी स्ट्रेटेजी है या जो हम इसके अंदर जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, वो हमारे पास कहलाती है प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना और उसकी करेक्शन लेना। अब ये हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसके तीन बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन, थर्ड वन इज फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। फॉर्मुलेशन का मतलब यह है कि आप फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हो, बनाते आप किस तरीके से हो,
पहले आप अज्यूम करते हो, फिर आप सिनेरियोस डेवलप करते हो, और फिर उसके बाद सिचुएशन का ट्रेंड लेते हो. लाइक आपने अज्यूम किया इस पूरे के पूरे चार्ट के अंदर, आपने इस चार्ट में से एक कंक्लूजन निकाला और कंक्लूजन निकाल के आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपकी अजम्पशन हो गई. फिर आप सिनेरियो डिफाइन करते हो. सिनेरियो डिफाइन करने का मतलब ये कि आपकी सिचुएशन में, आपके एलिमेंट में, आपके डिस्कशन में, आपकी तमाम के तमाम चीजों के अंदर कौन से एरिया में प्रॉब्लम आई जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, या किस जगह पे डिस्टर्बेंस है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. फिर उसके बाद आप यही सिचुएशन उठाते हो प्रॉब्लम की जो आपके पास आई, और आप अपनी मार्केट में जाके देखते हो कि मार्केट वालों ने इस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया. ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आपका सिनेरियो भी आ गया, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आ गई, जिस वजह से हुई वो भी आ गई, मार्केट में यह प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो रही होती है, मार्केट में किस तरीके से प्रॉब्लम चल रही होती है वो भी आ गया. फिर इसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर आप आते हो एग्जीक्यूशन के ऊपर. एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या होता है, जो मार्केट ट्रेंड होता है वो आप कम्युनिकेट करते हो. उसके बाद आप चले जाते हो मैनेजमेंट कमिटमेंट के ऊपर, और जो कम्युनिकेट करते हो कि भाई ये सिचुएशन आप एग्जीक्यूट करते हो, आप बताते हो कि जी ये प्रॉब्लम था, ये हमारी सिचुएशन थी, सिचुएशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इस प्रॉब्लम को मार्केट में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मार्केट में जब हमने चेक किया तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस थे इसके जो आए थे. तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन में कमिटमेंट में आती है. ठीक है, कमिटमेंट में आने के बाद हम आगे आ जाते हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट में. मैनेजमेंट की कमिटमेंट कितनी है, आपने अगर फॉर्मुलेशन सही की हुई है या अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से चीजें लगाई हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डन. बट अगर आपने ही चीजें सही नहीं लगाई हैं, आपकी तरफ से मैनेजमेंट कमिटमेंट ठीक नहीं है, तो नो मैटर आप कुछ भी कर लो इट वोंट वर्क. फिर उसके बाद होता है कभी कभी कि सारी के सारी चीजें ठीक है, फीडबैक नहीं था, तो वो आपके लिए एक इशू होता है. फंक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है कि तमाम की तमाम जितने प्रॉब्लम एरिया, एक तो ये आ जाता है कि जी आपके पास पॉलिसीज कंसिस्टेंट ही नहीं थी, एक तरतीब में नहीं थी, रेगुलर नहीं थी, प्रॉपर प्रोसीजर पे नहीं चल रही थी, प्रॉपर एक्टिविटी के ऊपर नहीं चल रही थी, तो वो आपके पास एक कंसिस्टेंसी का इशू आता है. एंड रिसोर्स एलोकेशन का, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये कि जो रिसोर्सेज आपने लगाई, जो भी रिसोर्सेज आपने एलोकेट किया, जो भी रिसोर्सेज आपने पंचिंग की, जो भी रिसोर्सेज आपने उस काम के लिए लगाई, वो रिसोर्सेज उस काम के लिहाज से थी नहीं, उस काम के लिए नहीं थी. ठीक है, फिर इसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस की बात होती है. मेजरिंग परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो मेजरिंग परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब ये होता है हमारे पास द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी. हमने जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म किया, हमने जो अपना काम परफॉर्म किया, उस काम को परफॉर्म करने के बाद जो हमने रिजल्ट लिया या जो हमारे पास रिजल्ट आया, क्या वो वही रिजल्ट है जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है. जब हमारे एक्टिविटी का आउटकम आएगा, जब हमारे पास हमारा जो बेंचमार्क पोजीशन है वो मौजूद होगा, तभी हम इस सिचुएशन का आंसर दे सकेंगे, तभी हम इस सवाल का जवाब दे सकेंगे कि हाँ जी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ. अगर तो हमारी मेजरमेंट परफॉर्मेंस एक्यूरेट है, फाइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स वी हैव डन आवर वर्क. और अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या अगर हमारी एक्टिविटी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है, तो फिर हमें हर हाल में करेक्टिव एक्शन या कंट्रोलर इवैल्यूएशन के ऊपर जाना पड़ेगा. ओके जी, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ. अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, और अटेंडेंस मार्क करने के बाद हम लोग जो है वो फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करके फिर उसको वर्कआउट करेंगे. अब्दुल हमीद, अब्दुल वलीद, अलमा सत्तार, अक्सा वहाब, फरीहा खान, हफ्सा, इमरान एम इलियास, इमरान एम इलियास के बाद कौन है, इकरा ताहिर, इकरा ताहिर के बाद जब्बार अली खान, जब्बार अली खान के बाद खुर्रम मुजाहिद, खुर्रम मुजाहिद के बाद कोमल रशीद,
मारिया सलीम मनाल खत्री नेता सत्तार पलवशा नेता सत्तार पलवशा रुपाब सोबिया अंसा अंसा के बाद खुलूत हो गया माहीन और मुस्कान माहीन और मुस्कान मंसूरी ओके जी कोई रह तो नहीं गया अटेंडेंस में मुझे बता दो मैं नाम सबके रिकॉल कर रहा हूँ तो एक दफा मुझे बता दो अगर कोई रह गया तो अब्दुल हमीद अब्दुल वलीद अलमास अक्सा फरीहा हफ्सा इमरान इकरा जब्बार खुर्रम खुलूद कोमल मारिया मिनाल निदा पलवशा रुबाब सोबिया अंसा नजीर माहीन और मुस्कान मंसूरी कोई रह तो नहीं गया अगर कोई रह गया तो मुझे अभी अभी अटेंडेंस बता दो ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं जी सब लोग आए या कोई रह गया ओके जी सब कंप्लीट हो गए चलो ठीक है सही है मैं बस ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं अब लास्ट सेशन आपका जो है वो आप दोबारा से रिस्टोर करता हूँ तो फिर हम उस सेशन के अंदर जाके फिर वहां से जो है वो चीजें कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे ठीक है अभी आखिरी सेशन दोबारा से रिस्टोर कर रहा हूँ ओके जी